अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी साइमा रफीक फ्रॉम लेजर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, एंड टुडे वी डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स बिकॉज दीज आर टॉपिक्स आर टू शॉर्ट. दैट इज़ द रीज़न वी मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एज अल्कोविक इक्वेशंस, डिफरेंट सॉलिड इलेक्ट्रोड्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ टॉपिक मर्करी इलेक्ट्रोड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लेरोग्राफी. First of all, we discuss Ilkovic equation. Ilkovic equation used to find the diffusional current, or we can say that decompositional current. ये जो graph है, ये current और potential के between है. उसमें residual current जो कि matrix या sometimes जो और species और sample में उनकी वजह से जो current appear होता है, उसे residual current कहते हैं. जब एनालाइट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है कि वो डिफ्यूजन उनकी स्टार्ट हुई है या उनकी डीकम्पोजिशन है. डीकम्पोजिशन मीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस. तो वो जो पोटेंशियल है, उसे हम डीकम्पोजिशन या डिफ्यूजन पोटेंशियल कहते हैं. और वो पोटेंशियल जिस पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रेशो 50% होती है, उसको हम हाफ वेव पोटेंशियल कहते हैं. और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टॉप हो जाती हैं, तो उसके बाद जो करंट है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, और उस टाइम उस करंट को कहते हैं लिमिटिंग करंट. अब ये है कि हम डिफ्यूजन करंट, हम ये तो कहते हैं कि इस पोटेंशियल से यहाँ तक जो मतलब एक एक्यूरेट जो वैल्यू है, वो हम नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ तक डीकम्पोजिशनल या डिफ्यूजन करंट है. डिफ्यूजन करंट को हम डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हमें हम फाइंड कर लें, तो हम डिफ्यूजन करंट ईजिली फाइंड कर सकते हैं. उसमें जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, तो ऑफकोर्स उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड कर लें, तो उससे हम जो डिफ्यूजन करंट है वो फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद इसमें लिखा हुआ है सी मीन एनालाइट कंसंट्रेशन. क्योंकि अगर हम एनालाइट की प्रॉपर कंसंट्रेशन पता होगी, तो उससे क्योंकि ये मोस्टली इतनी ज़्यादा एनालाइट की जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होती. एनालाइट होता ही वो है जो लेस अमाउंट में होता है. तो इसकी जो कंसंट्रेशन मोस्टली होती है वो माइक्रोमोलर में होती है, लेकिन वो कितनी होगी एग्जैक्ट, वो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो डी है, ये है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एनालाइट. ये हर एक का कांस्टेंट होता है. इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. डिफ्यूजन करंट कोफिशिएंट, एनालाइट की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन. और जो एम है, इट मीन दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मर्करी. बिकॉज वी स्टडी प्लेरोग्राफी, एंड इन प्लेरोग्राफी वी फिक्स द इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड. एंड वेन ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड यूज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मर्करी थ्रू द कैपिलरी हम फाइंड कर लेंगे. तो वो जो रेट होगा वो मिलीग्राम पर सेकेंड होगा, कि पर सेकेंड में जो मर्करी का ड्रॉप फ्लो हो रहा है, जो उसका रेट है फ्लो का, वो मिलीग्राम पर सेकेंड है. उसके बाद जो टी है, टी मीन्स दैट टाइम इन सेकेंड, विच इज़ रिलेट टू ड्रॉप टाइम, जो उसका रेट ऑफ फ्लो है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड कर लें, तो इन सब से हम डिफ्यूजन करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब ये है कि जो कंसंट्रेशन है वो हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं, जो करंट की वैल्यू है वो हमें बताएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, रेट और उसका जो टाइम इन्वॉल्व है वो भी हम फाइंड करके ओवरऑल जो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे. तो इल्कोविक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि डिफ्यूजन करंट को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है इन केस ऑफ प्लेरोग्राफी. हाफ वेव पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की जो रेट है वो 50% होता है. अब हाफ वेव पोटेंशियल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफकोर्स वो भी हाफ होंगे. तो जो ओवरऑल अगर हमें एवरेज करंट पता चल जाए, तो एवरेज करंट से हम डिफ्यूजन करंट तो हम इल्कोविक इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे. उसके बाद ये जो फार्मूला है 0.0591 ओवर एन, एन इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आई डी इज़ डिफ्यूजन करंट, एंड आई इज़ एवरेज करंट फ्लो थ्रू द सेल, एंड ई हाफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडेंट कंसनट्रेशन. अब जो हाफ पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडेंट कंसनट्रेशन मीन दैट जितनी भी कंसंट्रेशन है उसका 50% जब होगा, तो उसे हाफ वेव पोटेंशियल कहेंगे. अब वो लेस कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन मोर है, इस चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं है. हमारा कंसर्न हाफ वेव पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल जिस पे जो कंसंट्रेशन है वो 50% है. तो ये जो हाफ वेव पोटेंशियल है, वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन.
डिपेंड्स ऑन पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ एंड स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये डिपेंड करता है पीएच पे, क्योंकि अगर पीएच कम या ज़्यादा हो तो जो हाफ वेव पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ से भी। स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट वो होती हैं जो जाके पहले एक लेयर बना देते हैं जो कि आगे फिर डिफ्यूजन में हेल्पफुल होती है एनालाइट की। तो अगर स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं या उसकी रेशियो कितनी है, तो ये स्पोर्ट या फिर हम आयनिक स्ट्रेंथ में अगर उसमें कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद है सैंपल के अंदर जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ है और वो कितनी है, एक्सटेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, दीज आर ऑल फैक्टर्स अपॉन विच हाफ वेव पोटेंशियल डिपेंड्स। दिस इज सेकेंड टॉपिक विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एल्कोविक इक्वेशन इज सेपरेट एंड हाफ वेव पोटेंशियल इज सेपरेट टॉपिक। This is example of different electrodes which use in fluorography, mercury electrode. There is different type of mercury electrode. In fluorography, mercury is used as a working electrode because mercury it is in liquid form. Working electrode is often a drop suspended from the end of capillary. Capillary है, capillary से drop produce होगा mercury का। अब different types हैं electrodes की, but first is hanging mercury drop electrode and second is dropping mercury electrode which is often used in fluorography and third is static mercury drop electrode. First is hanging mercury drop electrode. In hanging mercury drop electrode, we extrude the drop of mercury by rotating the micrometer screw that pushes the इसमें जो micrometer screw होता है, अगर आप फर्स्ट जो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डायग्राम है वो देखें तो वो है हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड की। इसमें ऊपर एक सेक्रियो यूज़ किया हुआ है, सेक्रियो को हम रोटेट करके जब रोटेट करते हैं तो वो पुश करता है मर्करी को फ्रॉम द रेजर वायर थ्रू अ नैरो कैपिलरी, और नीचे जो कैपिलरी नज़र आ रही है सेक्रियो को रोटेट करने से वो जो ड्रॉप है वो उसमें से मूव करता है और एंड पे जो मर्करी ड्रॉप है वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन डिफरेंट टाइप है कि वो हैंग किया हुआ मर्करी हमने और सेक्रियो को रोटेट करने से वो जो ड्रॉप है वो नीचे मूव करेगा। और ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में मर्करी ड्रॉप फ्रॉम द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में कोई हम सेक्रियो यूज़ नहीं करते, वो अगर ड्रॉप मूव कर रहा है तो वो कैपिलरी से ही मूव करेगा, तीनों में कैपिलरी से मूव करेगा। लेकिन हैंगिंग मर्करी में हम सेक्रियो से उसे मूव करवाएंगे, सेक्रियो को रोटेट करेंगे तो मर्करी ड्रॉप मूव करेगा। हैंगिंग ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में हम वो ग्रेविटी के इफेक्ट से जो ड्रॉप है वो मूव करेगा। अनलाइक द हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, मर्करी ड्रॉप ऑफ द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड ग्रोज कंटिन्यूसली एज द मर्करी फ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अगर हम हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड में सक्रियो को रोटेट नहीं करते तो वो जो इलेक्ट्रोड है जो मर्करी ड्रॉप है वो तो कैपिलरी में ऊपर ही रह जाएगा, जबकि जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है ये तो जो ड्रॉप है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा है, तो जो ग्रेविटी है वो तो कंटिन्यूसली अप्लाई होगी तो जो ड्रॉप है वो भी कंटिन्यूसली मूव करेगा कंटिन्यूसली एज अ मर्करी फ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड हैज़ अ फिनाइट लाइफ टाइम ऑफ द सेवरल सेकेंड, और इसकी जो लाइफ टाइम है वो फिनाइट होती है। At the end of its lifetime, mercury drop is dislodged either manually or on its own and replaced by a new drop. अब एक जो drop है जो mercury जो gravity के effect से नीचे move कर रहा है तो वो अगर for example एक effect होता है जो कि limited होता है ये जो effect, तो वो जो drop है वो आके hang हो जाएगा last point पर। तो अब हम जो टैप करेंगे थोड़ा सा कैपिलरी को तो इसमें इट मींस दैट अब वो जो ड्रॉप है वो खुद नहीं गिर रहा नीचे, हमने खुद उसे गिराया, इट्स मीन दैट मैनुअली जो हमने ये प्रोसेस किया है क्योंकि इसके जो लाइफ टाइम था वो लिमिटेड था और बाद में जो ड्रॉप को डिसलॉज कराने के लिए हमें मैनुअली करवाना पड़ा है। लास्ट है स्टैटिक मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड यूजेस अ सोलेनोइड ड्राइवन प्लंजर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मर्करी। इसमें भी हम ऑटोमेटिक मतलब जैसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा था, इसमें भी ऐसे नहीं होगा, हम प्लंजर यूज़ करेंगे मर्करी को ड्रॉप को मूव करवाने के लिए।
एक्टिवेशन ऑफ द सोलिनॉइड मोमेंटली लिफ्ट द प्लंजर एंड अलाउ द मर्करी टू फ्लो थ्रू द कैपिलरी एंड फॉर्मिंग सिंगल एंड हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। तो जो फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप है ये ग्रेविटी के इंट्रेंस से नहीं होती, हमें खुद वो जो ड्रॉप है चक्रियों से या प्लंजर से मूव करवाना पड़ता है, जबकि टॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में जो ड्रॉप है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। मोस्टली जो प्लेरोग्राम में प्लेरोग्राफी में हम यूज़ करते हैं वो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, तो वो डिफरेंट जो इसकी जो एडवांटेज हैं वो उसकी बेस पे हमने सेलेक्ट किया कि हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड यूज़ करें। बट सम केयर मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, प्योर एंड ट्रिपल डिस्टिल्ड मर्करी शुड बी यूज इन ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को हमने ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड क्यों कहा, क्योंकि वो खुद ड्रॉप इन ग्रेविटी के इंफ्लुएंस से मूव कर रहा होता है, लेकिन इसमें जो मर्करी यूज़ करते हैं वो प्योर होनी चाहिए। टिप ऑफ द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड शुड बी ऑलवेज इमर्ज इन वाटर व्हेन नॉट इन यूज। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था ग्लास इलेक्ट्रोड के केस में बताया था, कोई भी गिलास अगर हम जो इलेक्ट्रोड या इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो गिलास होता है वो इतना ब्रेक होता है, फ्रेजाइल होता है कि अगर हम उसे ड्राई कंडीशन में रख दें तो वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट या मोस्टली हम वाटर में ही उन्हें इमर्ज करके रखते हैं ताकि उनका ब्रेक होने का चांस रिड्यूस कर सकें। तो ये अगर हम यूज़ कर रहे हो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड चाहे वो ना कर रहे हो तो इसको वाटर के अंदर डिप रखना पड़ता है। टिप ऑफ द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड शुड बी क्लीन बाय द डिपिंग इन नाइट्रिक एसिड, और उसे नाइट्रिक एसिड से इसे क्लीन करते हैं। द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड असेंबली शुड बी माउंट वर्टिकल ऑन हैवी स्टैंड टू बी फ्री फ्रॉम द वाइब्रेशंस, क्योंकि वाइब्रेशन तो उस केस में होती है जब एक जो ऊपर से हमने उसे हैंग किया हुआ है वो प्रॉपरली नहीं किया हुआ, जब हम उसे प्रॉपरली हैंग करेंगे तो वो एक जो ड्रॉप है वो एक प्रिसाइज साइज में प्रोड्यूस होगा। इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ क्लीन एंड डस्ट फ्री ट्यूबिंग वाइल सेटिंग द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। इसमें जो ट्यूब यूज़ कर रही हैं ये नहीं है कि अगर हम सारा प्रोसेस मर्करी भी यूज़ कर रहे हैं उसे मर्ज कर रहे हैं इमर्ज रख रहे हैं वाटर में, लेकिन उसके बावजूद हम अगर उस कैपिलरी को अगर साफ नहीं ले रहे तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल या कोई और पार्टिकल है वो सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम कैपिलरी को भी या ट्यूब जो है यूज़ कर रहे हैं वो भी डस्ट फ्री होनी चाहिए। There should be sufficient mercury in reservoir so that the pressure change are negligible. Pressure तब change, pressure का जो effect है तब होता है जब एक sufficient mercury reservoir हम नहीं use कर रहे होते, तो इसलिए must है कि हम जो mercury reservoir हैं वो हम sufficiently उसे fill करके रखें और pressure का जो effect है उसे nullify करें। There are some advantage of dropping mercury electrode on which base we select dropping mercury electrode in case of plerography. Mercury or amalgam with most metal, mercury जो है वो amalgam बना देता है mostly metals के case में और उन metals को हम easily find कर सकते हैं। Mercury has high hydrogen voltage and due to high hydrogen voltage mercury is preferred in case of dropping mercury electrode. It provides a smooth fresh surface for the reaction because हर एक जो स्टेप है उस पर एक जो ड्रॉप प्रोड्यूस हुआ है नेक्स्ट स्टेप पे वो नेक्स्ट जो ड्रॉप है वो न्यू होगा। तो अगर एक कोई डस्ट पार्टिकल या कोई एक रिएक्शन या क्रूसिवनेस एक ड्रॉप पे प्रोड्यूस भी हुई है तो वो जब न्यू ड्रॉप होगा तो वो फिनिश हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली जब हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एक सर्फिस जो इलेक्ट्रोड की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो उस पर वो स्मूथ नहीं रहती या उस पर क्रेयन हो जाती है। तो जब एक न्यू ड्रॉप है क्योंकि जो ड्रॉप है वही इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड ऐड कर रहा है, तो जब एक हर जो ड्रॉप है न्यू प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके जो चांस है सरफेस का इम्प्योर होने का या वो जो फ्रेश नहीं रहती कोई भी और पार्टिकल उस पर आके अटैच हो जाता है तो वो जो लिमिटेशन है वो कवर अप हो जाती है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ न्यू ड्रॉप इन ईच सेकेंड। Each drop remains unaffected and does not become contaminated by the deposited metal. Because in one drop, if metal is deposited, this metal cannot contaminate the next process. Because in next process, new drop is used and maybe on that drop, that metal is not present.
So each drop remain unaffected from that metal. But we can say that one drop may be affected by that metal, but not every drop is affected by those metal. Duffian equilibrium is readily established at mercury solution interference. तो डफियन इक्विलिब्रियम जो है वो इजीली मर्करी सॉल्यूशन इंटरफेस में प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो पोजीशन, वो पॉइंट है जिस पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो जो प्रोसेस है वो इक्वल हो जाता है. अब अगर एक प्रोसेस एक ही इलेक्ट्रोड सरफेस पे हो रहा है तो वो उस पे उसकी सरफेस पे कोई कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई और मेटल डिपॉजिट हो सकती है, प्रोसेस में जो है वो डिले हो सकता है. जबकि जब हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप पे न्यू इलेक्ट्रोड होगा, उस पर रैपिडली प्रोसेस होगा और रैपिडली ये जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. मतलब हम इक्विलिब्रियम, डफियन इक्विलिब्रियम इजली अटेन कर लेंगे बाय यूजिंग ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड. दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एंड प्रेफरेबल रीजंस टू सेलेक्ट इट फॉर प्लेरोग्राफी. And there is some advantage of, disadvantage of dropping mercury electrode. It is poisonous, so care should be taken in its handling. जो mercury है ये एक poisonous metal है, तो इस ये एक poisonous metal है, ये इसका advantage है, disadvantage है. तो इसकी handling जब हम इसको feel कर रहे होते हैं तो care must be taken in its handling. सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप ऑफ द मर्करी इज़ नेवर कॉन्स्टेंट. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का, कि हम कहते हैं कि हर ड्रॉप जो है वो फ्रेश है और डिफरेंट जो लिमिटेशंस हैं वो इसमें हम कवर अप कर रहे हैं. बट जब मर्करी इलेक्ट्रोड का जो साइज़ है, यही है ना कि मर्करी ड्रॉप क्या है, मर्करी ड्रॉप इटसेल्फ इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड एक अगर हमने एक प्रोसेस किया है उस पर एक ड्रॉप का साइज़ कम है, दूसरे पे ज़्यादा है, उस पर नेक्स्ट स्टेप में उससे भी ज़्यादा है, तो वो जो साइज़ है ड्रॉप का, इट्स मीन दैट सरफेस एरिया है वो ड्रॉप जो है असल में इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड वो जो ड्रॉप सारा है वो सरफेस एरिया है जिस पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो होगा. तो हर एक ड्रॉप का जो साइज़ है वो चेंज होता है, क्योंकि कोई ऐसी एक डिसाइज चीज़ नहीं है जो इक्वली जो ड्रॉप है उन्हें प्रोड्यूस करवा सके. क्योंकि एक सवाल होल लास्ट पे होता है कि बिल्ट्री से ड्रॉप आता है, तो वो हर एक उसमें चेंज हो सकता है. इसका कोई एक मेथड नहीं है जिसमें हम मतलब ये वो करें कि हर एक स्टेप जो ड्रॉप है वो इक्वली साइज में हो और उसका इक्वल सर्फिस एरिया. अप्लाइड वोल्टेज प्रोड्यूसेस चेंज इन द सर्फिस टेंशन एंड हिंस चेंज इन ड्रॉप साइज. अब जब अप्लाइड पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाइड पोटेंशियल से क्या होगा कि पहले जो ड्रॉप है मर्करी का वो इक्वल नहीं है, उसके बाद जो वोल्टेज है, वोल्टेज अप्लाई करने से वो जो पोटेंशियल, वो जो ड्रॉप है वो जो कैपिलरी है उससे बाहर आएगा और उस पर रिएक्शन होगा. तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वजह से भी जो चेंजेस हैं वो सरफेस जो है वो सरफेस टेंशन में आती हैं, तो वो जो ड्रॉप का साइज़ है पोटेंशियल की वजह से और ज़्यादा वेरिएट हो जाता है. तो दिस इज़ अ मेजर लिमिटेशन ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड. मर्करी हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन इन एनालिसिस ऑफ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल रेंज, बिकॉज इन केस ऑफ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल रेंज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द some precautions during using the dropping mercury electrode and discuss the advantages and limitations of dropping mercury electrode. Here are some applications of polarography. Polarography is used for analysis of dissolved oxygen. Reduction of oxygen take place which is recorded in the form of polarogram, and polarogram give the all information about oxygen, and oxygen meter are used for oxygen analysis in water. It is used for analysis of inorganic compounds, because inorganic compounds ki oxidation and reduction se agar hum dropping mercury electrode cathode use electrode use kar rahe honge to inhe hum polarography kahenge. और वो डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो करंट की वैल्यू है वो हमें एक्चुअल में डिफरेंट जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन देगी. जिंक एंड निकल अल्कली हाइड्रोक्साइड एज अ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड जब हम यूज़ करते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए पोलैरोग्राफी हेल्पफुल है.
लेड लेड एज अमोनिया एंड अमोनियम नाइट्रेट बफर यूज़ होती है. अल्कली मेटल्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. अल्कली मेटल इज़ आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़ आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फाइंड बाय द प्लेरोग्राफी. ब्रोमेट्स लाइक ब्रोमेट्स आयोडेट नाइट्रेट्स एंड वेनाडेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेरोग्राफी. कंपोजिशन ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस इज आल्सो डिटरमाइंड बाय प्लेरोग्राफी. एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्ट्रक्चर कैन बी फाइंड बाय यूजिंग अ प्लेरोग्राफी क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिकॉज इन प्लेरोग्राम करंट वैल्यू टेल्स अबाउट इफ करंट वैल्यू इज मोर इट्स मीन दैट मोर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस. इट्स मीन्स दैट मोर कंसेंट्रेशन ऑफ दैट एनालाइट इज प्रेजेंट इन द सैंपल. एंड डीकम्पोजिशनल और डेफियन करंट टेल्स अबाउट विच एलिमेंट इज प्रेजेंट. इट्स क्लियर दैट इट इज़ यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम एंड कैन नॉट फॉर अमेलगम. क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट आर मिक्सड विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल्स एथेलिन डाइमाइन एंड कीटोन्स ईटीसी. द रिप्रोड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप सच एज कार्बोक्सिल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप अल्केन्स अमाइंस नाइट्रो ग्रुप आर स्टडीड बाय यूजिंग द प्लेरोग्राफी. पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स इन फूड कैन आल्सो बी एनालाइज बिकॉज कोई भी अगर हम सैंपल ले लें पेस्टिसाइड ले लें या हर्बिसाइड उसका सैंपल लेके अगर हम उन्हें एनालाइज करें. अगर हम फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड में किसी एक मेटल को फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो मेटल एक खास पोटेंशियल पे अपेयर हुई है या नहीं ये चेक कर सकते हैं. और उस मेटल की कंसंट्रेशन की एक स्पेसिफिक लेवल तक अगर वो रिक्वायर है तो उसका टॉक्सिक लेवल या उसकी एक जो कंसंट्रेशन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो इट्स मीन दैट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स के लिए हम प्लेरोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं. प्लेरोग्राफी इज़ आल्सो यूज फॉर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स एलर्जीज एंड एंटी पैराडिसेस आर यूज फॉर कैन बी एनालाइज्ड बाय प्लेरोग्राफी एंड डाइक्लोनिन कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ प्लेरोग्राफी. बिकॉज डेफिनल करंट और वी कैन से द डीकम्पोजिशनल करंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डाइक्लोनिन एंड इट्स कंसेंट्रेशन एंड इट्स ग्रेडियंट्स आल्सो स्टडीड बाय प्लेरोग्राफी बाय मेजरिंग इट्स स्पीड्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दैट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कैन आल्सो फाइंड बाय द करंट वैल्यू विच इज टेकन बाय द रिस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड. सो यहाँ पे एप्लीकेशंस प्लेरोग्राफी की एंड होती हैं. आज हमने डिफरेंट जो टॉपिक्स थे उनको स्टडी की है एंड इट वाज ऑल अबाउट वोल्टामेट्री एंड ऑलमोस्ट कोर्स इज एंडेड ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स. इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल बट इट्स टेक्निकल बट दीज टेक्नैलिटीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल. इफ यू हैव एनी क्वेरीज You can freely ask to me. Thank you for your cooperation. Best of luck for your exams and thank you.